हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज मैं क्लास टेंथ का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर सच डेट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस देन सो डेट ट्रायंगल पी सॉरी आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। ठीक है ना, देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बुक में नहीं दिया है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं फिगर बनाया हूं, ठीक है ना। ट्रायंगल का नाम है PQR, ठीक है ना। क्या नाम है ट्रायंगल का? PQR, ठीक है ना। तो इसके ये वाले साइड्स पर, ठीक है ना, यानी PR साइड पर, ठीक है ना, एक पॉइंट S है, बोला ना S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड Q, PR एंड QR। तो जो S वाला साइड है वो है इस PR साइड पर, यहां पर आप देख सकते हैं PR साइड, और QR साइड पर T वाला पॉइंट, ठीक है ना। ये जो T पॉइंट है वो QR साइड पर, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से पॉइंट्स है, ठीक है ना। जब हम ST को मिलाते हैं तो यहां पास एक एंगल बनता है और एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से है कि एंगल P इक्वल है एंगल RTS के साथ, ठीक है ना। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो वैल्यू है इक्वल है, ठीक है ना। हमको सो ये करना है कि जो ट्रायंगल आर पी क्यू, ये जो फुल ट्रायंगल है, ठीक है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल है आर पी क्यू, वो सिमिलर है इस छोटे वाले ट्रायंगल के साथ, यानी आर टी एस के साथ, ठीक है ना। ये हमको प्रूफ करना है, मतलब सिमिलर हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा दिया है उसको लिखेंगे, उसके बाद हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। सोल्यूशन में जो गिवन दिया है, गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है कि जो एंगल पी है वो इक्वल है एंगल आर टी एस के साथ, ठीक। प्रूफ हमको ये करना है टू कि जो ट्रायंगल है, यानी बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल आर पी क्यू, वो सिमिलर है छोटे वाले ट्रायंगल के साथ, यानी आर टी एस के साथ, ठीक, आर टी एस के साथ सिमिलर, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं हम, ठीक। देखिए दोनों ट्रायंगल को, बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए और छोटे वाले ट्रायंगल को देखिए, ठीक है ना। यहां पास मैं मेंशन कर देता हूं इन ट्रायंगल आर पी क्यू, बड़ा वाला ट्रायंगल है आर पी क्यू और ट्रायंगल आर टी एस छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल में आपको एंगल आर क्या दिख रहा होगा? कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है ना। कॉमन एंगल इक्वल होता है, ठीक है ना। मेरे पास मैं लिख सकता हूं एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन है, ठीक। कॉमन एंगल इक्वल होता है, ठीक है ना। रीजन में डाल दीजिएगा कॉमन, ठीक, कॉमन हो गया, ठीक। अब गिवेन डाटा में हमको ये चीज दिया है कि जो एंगल पी है, ये बड़े वाले ट्रायंगल का है, एंगल जो पी है वो इक्वल है इस छोटे वाले ट्रायंगल के एंगल टी के साथ, यानी इस वाले एंगल के साथ। तो यहां पास लिखेंगे एंगल आर टी एस, ये दोनों इक्वल है, क्या चीज? रीजन डालेंगे गिवन। देखिए दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए या तो आपको दो एंगल इक्वल मिल जाए या फिर तीन एंगल इक्वल मिल जाए, उन दोनों ट्रायंगल का या तो दो एंगल से, मतलब सेम मिल जाए यानी इक्वल मिल जाए, या फिर तीन एंगल इक्वल मिल जाए, ठीक है ना, या फिर तीनों साइड्स इक्वल मिल जाए, या फिर दो साइड्स और एक एंगल इक्वल मिल जाए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। इसको बोलते हैं एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, इसको बोलते हैं साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है ना, और ये साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये आपको थ्योरम 6.3 में मिल जाएगा, ये 6.4 और ये 6.5 में मिल जाएगा, ठीक ना। तो दो एंगल भी अगर इक्वल मिल रहा है ना, तो आप लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, ठीक है ना, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, जो दोनों
ट्रायंगल है, ठीक है, जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है ना। ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है ना। रीजन डालना पड़ेगा आपको, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है ना, आर पी क्यू आर टी एस, ठीक है ना। अब एंगल एंगल का मतलब समझिए, ठीक है ना। देखिए कोई भी दो ट्रायंगल है, ठीक है ना, कोई भी दो ट्रायंगल है, ठीक है ना। यहां तक सॉल्यूशन खत्म हो चुका है, आपका फाइनल आंसर है, प्रूफ लिख दीजिए, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मान लीजिए इक्वल है, ठीक है ना। ये वाला मान लीजिए आपको दे दिया 50, ठीक, और ये वाला 30 दे दिया, ये वाला 50 दे दिया और ये वाला 30 दे दिया, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, वो ऑटोमेटिक इक्वल होगा, ठीक है ना। कैसे, ट्राइंगल का जो सभी एंगल्स का सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 180 में माइनस करेंगे 50 का और 30 का सम, माइनस करेंगे, सेम प्रक्रिया यहां पास भी करेंगे, तो दोनों का आंसर तो वही आएगा ना, यानी इसका जो वैल्यू आएगा और इसका जो वैल्यू आएगा सेम आएगा, ठीक है ना। तो यहां पास हम कह सकते हैं कि दो एंगल भी अगर किसी ट्रायंगल में इक्वल है, ठीक है ना, तो वो जो दोनों ट्रायंगल होंगे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है ना। अगर तीनों एंगल इक्वल है तो अच्छी बात है, सोने पर सुहागा है, ठीक है ना। तो दो एंगल भी चल जाएगा, ठीक है ना। एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के तहत ये जो दोनों ट्रायंगल है आर पी क्यू और आर पी एस वो सिमिलर होगा, ठीक है ना। इतना का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक। ये फिगर जरूर बना लीजिएगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।